हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो रिसेंटली ना मैं गई थी बांद्रा हिल रोड फॉर शॉपिंग, जो मुंबई में है तुमको पता होगा। बांद्रा हिल रोड जस्ट आवर फेवरेट प्लेस फॉर शॉपिंग सालों से। इनफैक्ट आफ्टर कोविड से ऐसा हो गया कि आई वॉज शॉपिंग ओनली ऑनलाइन, बट जो लोकल मार्केट्स है या फिर कुछ ऐसे शॉपिंग हब्स है वहाँ जाना ना जैसे कि छोड़ ही दिया था। तो दिस टाइम आई थॉट आई जस्ट विजिट बांद्रा हिल रोड एंड सी व्हाट्स न्यू देयर, एंड अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई बाय समथिंग। सो आज उसी का हॉल होने वाला है। मैं बताने वाली मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली है। बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं होने वाला है, बट काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दैट यू कैन डेफिनेटली यू नो ट्राई आउट, और वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम भी करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन हिट कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर आई हैव इन दिस बैग द एंटायर थिंग दैट आई हैव बॉट। दिस इज मिक्स। हमारे पास ज्वेलरी भी है, सनग्लासेस भी है, कुछ दो तीन पैर कपड़े भी है, बेल्ट्स है। फर्स्ट वन ये मेरे पास बेल्ट हाथ में लगे तो मैं बेल्ट ही बता देती हूँ। दीज आर टू बेल्ट दैट आई हैव बॉट। तो फर्स्ट वन इज दिस वाइट बेल्ट, एंड इसमें ना आगे से कुछ इस तरीके का आपको बकल मिलता है ना। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बेल्ट है ना, ये एडजस्टेबल बेल्ट है, आपको कुछ इस तरीके से बड़ी भी हो जाएगी एंड छोटी भी हो जाएगी। तो क्योंकि नो मेरी वेस्ट काफ़ी छोटी है, मुझे वो नॉर्मल वाली बेल्ट आती है ना वो नहीं अच्छी लगती, बिकॉज उसके वो बकल लगाने के बाद बहुत बड़ा पोर्शन बाद में बच जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आई यू नो फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ बेल्ट देयर एंड आई रियली लव्ड इट। इसका बकल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। यू कैन वेयर दिस, आप अपने जीन्स पैंट्स के ऊपर तो पहन सकते हो, आप उसको ड्रेसेस पे पहन सकते हो, वन पीसेस पे पहन सकते हो, कॉर्ड सेट पे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। एंड सेम ही वेरिएंट में मैंने ये वाली टैन कलर में भी ली है। इसका बक्कल इज अ बिट डिफरेंट, कुछ इस तरीके का बक्कल मिलता है। अगेन जो मेथड है इसका वो सेम ही है, ये आपको इस तरीके से बड़ी छोटी हो जाती है। अगेन दिस कलर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, सब पे चला जाएगा, न्यूट्रल टोन कलर है, ऑफिस वेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आई थिंक मैंने 200 रुपीज़ ईच ली या फिर 100 रुपीज़ ईच ली, ऐसा कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। लेट्स सी सनग्लासेस, ये आई थिंक मैंने 350 के लिए थे। आई एम श्योर ये बांद्रा के साथ 350 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट आई लाइक दिस पैटर्न। दिस इज द सनग्लास, ये कुछ इस तरीके के पैटर्न में आ जाता है। And this looks something like this on me. I loved it. बहुत अच्छा सा, स्पेशली समर्स में काफ़ी ज़्यादा, इवन मानसून में अच्छा लगेगा। ओवर साइज है, आपके फेस को अच्छे से कवर करता था, आईज को अच्छे से कवर करता है, एंड लुक्स ब्यूटिफुल। ऐसे बहुत सारे सनग्लासेस वहाँ पर थे। आजकल जो छोटे छोटे यू नो गुच्ची टाइप के जो आते हैं वो भी उस तरीके के भी थे। नेक्स्ट वी गो टू सम ज्वेलरी पीसेस। अगर आपको नहीं पता तो बांद्रा में इतने अमेजिंग आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। सो मैंने कुछ यहाँ पर आई थिंक 4 pairs ऑफ इयररिंग्स ली है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डेंटी वंस और द वंस दैट यू कैन वेयर ऑन वेस्टर्न क्लोथ्स या फिर ऑफिस में या फिर कुछ इस तरीके के पहन सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग। इसमें ये डैंगलिंग पर्ल है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा पहनने के बाद, एंड आपको कुछ इस तरीके का ऊपर शाइनी स्टोन में मिल जाएगा। दीज ऑल वेयर आई थिंक फॉर 100 rupees। लेट मी वेयर एंड शो इट टू यू। सी दिस, कितना सुंदर। आप इसको ड्रेसेस पे पहन सकते हो, वन पीसेस पे पहन सकते हो, डेनिम शर्ट्स पे पहन सकते हो, छोटे मोटे इंडियन आउटफिट्स पे भी, इंडियन वेयर पे भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। सी दिस, आर दिस हुप्स, दिस स्मॉल हुप्स जो मैंने लिए हैं, दिस आर ओनली फॉर 50 rupees। ये कुछ इस तरीके के हैं, डेली वेयर के लिए मिनिमम डेंटी ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई हैव बॉट सम कमिंग फेस्टिव सीजन के लिए कुछ स्टेटमेंट इयरिंग्स, दिस वेयर ऑल्सो फॉर 100 rupees ओनली। फर्स्ट वन इज दिस मिरर वर्क वाला इयरिंग, इसमें दिस इज इन सिल्वर ऑक्सीडाइज एंड कुछ मिरर वर्क उस तरीके से दिए हुए हैं, नीचे एक घुंघरू दिए हुए हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नवरात्रि आउटफिट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मीडियम वेट है इसका, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो मैं थर्ड पेयर ऑफ इयरिंग, फोर्थ वन इज दिस ह्यूज स्टेटमेंट इयरिंग जो है, जो मैंने लिया है। आई एम नॉट श्योर ये मुझ पर कितना और कैसा अच्छा लगेगा, बट दिस इज ह्यूज वन।
अगेन ये नवरात्रि आउटफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग गया। इसमें कुछ इस तरीके के कॉडी शेल्स लगे हैं, दीज आर प्लास्टिक वन, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। कुछ इस तरह का बड़ा झुमका मिल जाएगा एंड ऊपर से कुछ इस तरीके से स्टड है एंड देर आर घुंघरूज एज वेल। ट्राई एंड सी, मैंने इसको ट्राई नहीं किया हुआ है। ओके, दिस लुक समथिंग लाइक दिस, सुपर स्टेटमेंट इयर रिंग है स्पेशली फॉर नवरात्रि। फेस्टिव सीजन लुक्स क्रिएट करने के लिए कुछ इयर रिंग्स चाहिए थे, तो इसलिए आई हैव बॉट दीज टू स्टेटमेंट पीसेज एंड आई थिंक दीज लुक ब्यूटिफुल। नेक्स्ट आई बॉट सम क्लोथिंग पीसेस, बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शर्ट्स ही लगे हुए थे, आई डोंट नो शर्ट्स आर इन ट्रेंड या फिर वॉट इट इज, बहुत ज़्यादा शर्ट्स लगे थे एंड काफ़ी ज़्यादा H&M एंड ज़ारा के टैग के साथ लगे हुए थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट शर्ट दैट आई हैव ब्रॉट, कुछ इस तरीके से क्रॉप्ड शर्ट पैटर्न में है। दिस इज़ लाइक अ बिट ऑफ ओवरसाइज एंड क्रॉप्ड पैटर्न में एंड स्पेशली इसकी जो स्लीव्स है ना, कुछ तरीके की बलून स्लीव्स में है, विच विल गिव यू ऐसे स्टेटमेंट पीस वाला लुक। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसको ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज में इसको स्टाइल करूँ, तो डू लेट मी नो अगर आप कुछ इस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हो, लॉन्ग फॉर्म देखना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हो, वॉट एवर, डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल स्टाइल दिस इन वेरियस वेज। दिस वॉज बाय द वे फॉर 350 रुपीज एंड सुपर कॉटन मटीरियल में है, तो गर्मी में भी पहनने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस शर्ट, ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक टाइप में शर्ट है, बट यू कैन डेफिनेटली यू नो आप इसको डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो कैजुअल लुक के लिए। कुछ इस तरीके का पैटर्न में ही, थोड़ा सा रिब्ड पैटर्न, थोड़ा सा यू नो टेक्सचर्ड पैटर्न में है एंड फुल स्ट्राइप में है, फुल स्लीव्स है, दिस आर सुपर लॉन्ग स्लीव्स एंड जो शर्ट की लेंथ है वो भी फुल लेंथ की शर्ट है। अगेन थिंक दिस वॉज फॉर 350 रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट पीस दैट आई बॉट दिस जॉगर्स, आर दिस ब्यूटिफुल कलर में जॉगर्स, कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, नीचे से आपको इलास्टिकेटेड पैटर्न मिलेगा एंड ऑल्सो इसमें दोनों साइड में पॉकेट्स भी है, काफ़ी डीप पॉकेट्स है, तो आप यू नो फोन वगैरह भी रख सकते हो, स्पेशली लाउंज वेयर के लिए, घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। दिस वॉज फॉर आई गेस 250, दिस वॉज फॉर 250 रुपीज़। उन भैया के पास ना बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पैंट्स थी, हर एक पैंट 250 रुपीज़ की थी, देवर फॉर्मल कॉटन पैंट्स ऑल्सो, देवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉगर्स ऑल्सो। दैट्स इट, दैट वॉज माई बैंड्रा हिल रोड का हॉल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कुछ और मार्केट का हॉल देखना है तो डेफिनेटली आई विल विजिट, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट विजिट करके कुछ शॉपिंग करूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। दैट्स इट, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।